आज हम बनाएंगे 7 प्रकार मोटे अनाज का आटा। चलो देखते हैं कैसे बनता है। ये 7 तरह का अनाज है मेरे पास। ये 7 तरह का जो अनाज है ये सारा मोटा है। सबसे पहले ये बाजरा है, ये भी मोटे अनाज में आता है। ये मक्का मोटा अनाज है। सोयाबीन जिसमें प्रोटीन खूब होता है। ये ज्वार है, इसकी अपने रोटी राबड़ी बना सकते हैं, ये भी मोटा अनाज है। जौ है, ये गर्मी में ठंडे भी होते हैं, मोटा अनाज है। ये चने है काले, और ये रागी है। ये रागी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ रागी कैसे होती है। बच्चों को भी मोटे अनाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मोटा अनाज खाते हो इससे आपका क्या जो मोटापा है वो ज्यादा नहीं होता। ये रागी है, ये मैंने मेरे पास आधा किलो रागी है। मैं इसमें से 250 ग्राम रागी लूंगी, आधी रागी में रख लूंगी। अब अपने 7 तरह के मोटे अनाज को मिक्स करके अपने आटा बनाएंगे। ये अपने 3 किलो बन गया। तो अपने आप इसमें जो गेहूं है इसे डबल डाल के 7 अनाज और इसमें डबल गेहूं 7 किलो गेहूं डाल के सभी को मिक्स करके भी आटा पीस के रख सकते हो। इसमें डाल दूंगी बाजरा। जब गर्मी आ जाए तो उस टाइम आप बाजरा मत डालना, उसमें आप ज्वार और जौ ज्यादा डालना। ये ज्वार भी ये ठंडी होती है। ये मक्का भी मैं इसमें डाल दूंगी। सोयाबीन डाल देंगे। और ये अपनी जौ डाल देंगे। ये चने डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह मैं मिक्स करके इस तरह 7 अनाजों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको मैं चक्की में पीस लूंगी। अगर आपके पास घर में चक्की है तो आप घर में पीस लेना, नहीं तो आप इसको बाजार में पिसा सकते हो। मेरे पास घर में चक्की है, मैं इसको चक्की में। ये 7 प्रकार का अनाज पीस के तैयार है। जब ये 7 प्रकार का मोटा अनाज पीस के तैयार हो जाए तो आप इसको एक तारों वाली छालनी में छान लेना और इस तरह किसी बर्तन में डाल लेना। आप इसकी रोटी है, परांठा है, चिल्ला है, कुछ भी बना सकते हैं। और ये हेल्दी पौष्टिक है। आप बच्चों को सुबह नाश्ते में और लंच में आप मोटा अनाज काम में लेना। अब जैसे आप ये मोटा अनाज है, मैं 1 चम्मच ये मोटा अनाज ले लूंगी, 2 चम्मच गेहूं, तो इसका मैं आटा गूंद लूंगी। अनाज के अंदर गेहूं मिक्स करके भी पीस सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।